जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई मामलों पर मीडिया के सामने बड़ा पर्दाफाश किया है। राहुल गांधी जी से एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको हम दिखाने वाले हैं उससे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी जी का जुड़ाव एक हवाला कंपनी से है और किस प्रकार काले धन का इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से किया है, उस पर हम राहुल जी से जवाब चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न संपूर्ण गांधी परिवार से होगा कि किस प्रकार किंगफिशर एयरलाइंस और विजय माल्या के प्रति पूरा का पूरा गांधी परिवार एक आशीर्वाद की मुद्रा में था, एंड हाउ द कंप्लीट गांधी फैमिली वॉज इन फैक्ट हेल्पिंग विजय माल्या एंड द किंगफिशर एयरलाइंस विथ ए स्वीट डील। पहला प्रश्न व्यक्तिगत राहुल गांधी जी के लिए, दुखद विषय है मित्रों कि राहुल गांधी जी आए दिनों ऊल जुलूल, मुझे बोलने में बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि ऊल जुलूल ट्वीट करते हैं और उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करते हैं। राहुल जी, जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर हैं, आप 5,000 करोड़ रुपए के गबन के लिए 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे बाहर हैं, वैसे तो आपको भ्रष्टाचार पे आजीवन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं बनता है, फिर भी चूंकि आप सवाल उठाते हैं, आज एक सवाल भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली आपसे पूछती है। बंधुओं, आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड, जिसकी सुनवाई अभी 3-4 दिन पहले हुई और जिसमें रीअसेसमेंट होगा राहुल गांधी और सोनिया जी के इनकम टैक्स रिटर्न्स का, उसमें यंग इंडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी। यंग इंडिया एक कंपनी थी जिसमें 38% का राहुल जी का शेयर है, 38% का सोनिया जी का शेयर है और 12-12% मोतीलाल वोहरा और फर्नांडिस जी का, ऑस्कर फर्नांडिस जी का शेयर है। एक तरह से गांधी परिवार की ही कंपनी है, 76% के शेयर होल्डर है। राहुल जी कलकत्ता में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाला और इन्वेस्टिगेशन किया, द कंपनी फ्रॉम विच मिस्टर राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी यंग इंडिया हैड टेकन अ लोन ऑफ 1 करोड़ वॉज डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी थी जिससे 1 करोड़ का लोन लिया गया था राहुल गांधी की यंग इंडिया में, यह कलकत्ता के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पता लगाया। बंधुओं, ये जो डोटेक्स मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके जो ये एक शेल कंपनी है और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है, जो प्रमोटर है उनका नाम है उदय शंकर महावर। और मैं आपको अब वो डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूं जिसके विषय में मैंने कहा कि बड़ा खुलासा आज होगा। ये डोटेक्स कंपनी जिससे कि 1 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी ने बतौर लोन का लिया था, उसके प्रमोटर उदय शंकर महावर जी का कन्फेशन स्टेटमेंट है। ये कन्फेशन स्टेटमेंट है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब उनसे पूछताछ की थी तो उदय शंकर महावर ने जो जो कहा था, आई उदय शंकर महावर इन द नेम ऑफ गॉड स्वेयर दैट आई विल स्पीक ट्रुथ एंड होल्ड ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। आई फर्दर कंफर्म दैट आई हैव बीन मेड अवेयर ऑफ कंसीक्वेंसेस ऑफ गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट। उनका हस्ताक्षर है। उनसे पूछे गए कि आपके कितने कंपनी हैं, तो उदय शंकर महावर कहते हैं कि 200 से अधिक कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आती है और 194 नंबर पे डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है, हमने इसको अंडरलाइन किया है मार्कर द्वारा। यह 200 कंपनियों में से 194 में आती है डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, जिससे राहुल गांधी जी ने लोन लिया था 1 करोड़ का, और इस 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए खर्च करके 5,000 करोड़ रुपए गबन किए थे AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के। तो ये डोटेक्स है। उसके बाद उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल पूछती है उदय शंकर से, हु आर द डायरेक्टर्स ऑफ द अबव डिस्कस्ड कंपनीज, कौन इसके डायरेक्टर है। क्या कहता है उदय शंकर, सर एक्चुअली दे आर ऑल जमा खर्ची कंपनीज, ये सारे शेल कंपनीज हैं। Myself, उदय शंकर महावर, मिसेस स्मिता महावर, मिस्टर कृपा शंकर महावर और बहुत सारे नाम बताते हैं। ऑल अदर्स आर डमी डायरेक्टर्स, दे ऑल आर वर्किंग एज पर माई इंस्ट्रक्शन। उसके बाद पूछा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सवाल, प्लीज एक्सप्लेन योर मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ द जमा खर्ची कंपनी, ये जो आपका शेल कंपनी है उसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, जिसमें कि डोटेक्स भी है जिससे राहुल जी ने लोन लिया है।
उत्तर देता है उदय शंकर, आई यूज टू फॉर्म वेरियस कंपनीज, देन आई यूज टू एनहैंस शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज थ्रू डिपॉजिटिंग कैश एंड कंसिक्वेंटली ट्रांसफरिंग द मनी इन वेरियस बैंक अकाउंट्स. कैश डिपॉजिट्स हैव नॉट बीन डन बाय मी, आई यूज टू गेट इट डन फ्रॉम सम अदर स्मॉल एंट्री ऑपरेटर्स लाइक मिस्टर अमित, कुछ है नाम मैं डिस्क्लोज यहां नहीं कर रहा हूं, हुज मोबाइल नंबर इज सच एंड सच, आई पे सम कमीशन टू देम फॉर दिस. ये उत्तर देते हैं कि हमारी जो शेल कंपनी है ये किस प्रकार से काम करती है, ये काले धन को किस प्रकार वाइट करती है. प्लीज एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फंड्स यूज्ड फॉर रेजिंग शेयर कैपिटल इन योर कंपनीज. ये सोर्स कहां से है, फंड कहां से आती है आपकी कंपनीज को, ये जो शेल कंपनी आपने बनाई हुई है. तो उदय शंकर कन्फेस करता है, सोर्स ऑफ फंड फॉर एनहैंसिंग शेयर कैपिटल इज अनअकाउंटेड मनी ऑफ बेनिफिशियरीज. मैं रिपीट करता हूं, अनअकाउंटेड मनीज. आप जान पा रहे हैं ये सोनिया जी और राहुल जी क्यों इतना रो रहे थे डीमोनेटाइजेशन के समय, जब नोटबंदी हुई थी, जो हाय तौबा अभी तक राहुल गांधी मचा रहे हैं, वो क्यों मचा रहे थे? अनअकाउंटेड मनीज ऑफ बेनिफिशियरीज के माध्यम से ये कंपनीज चलती थी, जिसमें कि ये उदय शंकर एक छोटा सा मोहरा था. आई यूज टू गेट कैश फ्रॉम बेनिफिशियरीज फर्स्ट, देन आई हैंड इट ओवर टू पीपल, लाइक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर डिपॉजिटिंग द कैश इन वेरियस अकाउंट्स एंड देन ट्रांसफरिंग इट टू माई कंपनीज थ्रू चेक्स. सो कुल मिला के ये काले धन को किस प्रकार हवाला ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपनी कंपनी में ला रहा था, और बेनिफिशियरीज कौन है यह आप भी जानते हैं, जिसके पैसे को लेकर ये सफेद कर रहे थे. यहां पूछा गया एक और सवाल डोटेक्स को लेकर, क्योंकि डोटेक्स इंडिया से ही पैसा राहुल गांधी ने लिया था. बताते चले आपको कि हाल ही में भगोड़े विजय माल्या ने खुलासा किया है कि उसने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी. फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस संबित पात्रा के इन आरोपों पर क्या जवाब देती है. SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट. स्टार्ट योर करियर विद अस. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें.